हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं UPDLED फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हम फर्स्ट सेमेस्टर का रिवीजन इस चैनल के माध्यम से आप सभी को करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज गाइज लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर आप कर सकते हो। जिसमें सबसे पहला जो प्रश्न है कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर में जिन डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। इनपुट डिवाइस में जैसे कि आप सभी का कीबोर्ड, माउस, ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइस है। सेकंड क्वेश्चन है कि कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस का नाम बताइए। तो देख सकते हो यहाँ पे जस्ट मैंने अभी बताया कीबोर्ड हो गया। सबसे महत्वपूर्ण अगर पूछा जाए कि इनपुट डिवाइस में, तो सबसे पहला जो नाम आना चाहिए वो कीबोर्ड, फिर उसके बाद माउस एंड स्कैनर। थर्ड क्वेश्चन है आउटपुट डिवाइस किन्हें कहते हैं। तो कंप्यूटर में वे डिवाइस जिनके माध्यम से हम निर्देशों का अंतिम निष्कर्ष या परिणाम प्राप्त करते हैं उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। यानी जो कुछ भी हम इनपुट के लिए या जो भी हम निर्देश कंप्यूटर को भेजते हैं, प्रोसेसिंग होता है। अब जब प्रोसेसिंग हो गया तो उसके लिए कुछ न कुछ माध्यम चाहिए। तो जो माध्यम होता है उसका नाम होता है आउटपुट। यानी हम आउटपुट के माध्यम से हम जो कुछ भी रिजल्ट या परिणाम होता है हम उसके माध्यम से प्राप्त कर पाते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि आउटपुट किसे कहते हैं। तो देखिए, पहला वाला जो आपका प्रश्न था कि आउटपुट डिवाइस किन्हें कहते हैं। तो हमने देखा कि जो भी परिणाम, रिजल्ट या निष्कर्ष हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है वो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से ही प्राप्त होता है। अब अगला जो प्रश्न है कि आउटपुट किसे कहते हैं। इन दोनों क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अगर आप ये लिख देते हो तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन आउटपुट किसे कहते हैं, तो यह वह क्रिया है जो प्रयोक्ता यानी यूजर, प्रयोक्ता मतलब होता है यूजर को परिणाम उपलब्ध कराती है और ये दृश्य प्रदर्शन या मुद्रित विवरण के रूप में हो सकती है। तो इस तरीके से इसमें और इसमें डिफरेंट आपने देखा कि यानी जो ये प्रोसेस होते हैं, जो भी ये क्रिया होता है, ठीक है, यानी एक यूजर को परिणाम उपलब्ध कराती है आउटपुट। और जो सेकंड पहले वाला जो हमने क्वेश्चन देखा कि आउटपुट डिवाइस यानी जो कुछ भी हमारा निष्कर्ष या परिणाम है वो किसके माध्यम से हम प्राप्त करते हैं, तो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्राप्त करते हैं, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है कीबोर्ड क्या है। तो सबसे पहला तो प्रश्न यही जो इसका आंसर हो जाएगा कि कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। यानी कीबोर्ड एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा कंप्यूटर को आवश्यक निर्देश प्रदान किए जाते हैं। अगला आपका प्रश्न है माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं। जो आकार में छोटे होते हैं एवं कम गति से कार्य करते हैं उन्हें हम माइक्रो कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो जो आकार में छोटे होते हैं एवं कम गति से कार्य करते हैं यानी जो उनका स्पीड होता है वो बहुत ही स्लो होता है, उन्हें हम माइक्रो या पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। पीसी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है मिनी कंप्यूटर किसे कहते हैं। यह माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। यानी हमने देखा कि जो आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है यह क्या होता है, आकार में छोटे होते हैं और बहुत ही स्लोली काम करता है। लेकिन जो मिनी कंप्यूटर होता है यह माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और इसका अगर हम कंपेयर माइक्रो कंप्यूटर से तुलना करें तो इसकी जो गति होती है थोड़ा तेज होता है और यह मध्यम आकार वाले कंप्यूटर होते हैं। अगला जो प्रश्न है कि मेमोरी क्षमता मापने की इकाई क्या है। तो मेमोरी क्षमता नापने की जो इकाई है वो है किलो वॉट। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाइनरी प्रणाली क्या है। कंप्यूटर में लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट केवल मशीनी भाषा ही समझ सकता है और इस भाषा में केवल दो ही अंकों का अर्थात 0 और 1 का ही यूज किया जाता है, इसे हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं या बाइनरी प्रणाली कहते हैं। अगला प्रश्न है बिट क्या है। तो बीट बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। बाइट किसे कहते हैं। 8 बीट के समूह को हम बाइट कहते हैं। ALU का क्या काम होता है या ALU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, इसका पहले वर्क जो होता है कंप्यूटर द्वारा तार्किक एवं अंकीय गणना और ALU का जो फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगला जो प्रश्न है कि मोडेम क्या है। तो यह कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से कंप्यूटर पर टेलीफोन की लाइन द्वारा एक दूर स्थित कंप्यूटर से डेटा का आदान प्रदान किया जा सकता है। बहुत ही
कह सकती हूँ महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, मोडेम क्या है? तो यह कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर पर टेलीफोन की जो लाइन होती है, ठीक है, टेलीफोन की लाइन द्वारा एक दूर स्थित कंप्यूटर से डेटा का आदान प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सीपीयू क्या है? प्रश्न ये भी आ सकता है सीपीयू के कितने भाग है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के जो भाग होते हैं तीन, सीयू, एलयू और एमयू, ठीक है। सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, यानी जो सीपीयू को पूरा कंट्रोल करता है। एलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी जो कुछ भी प्रोसेसर होता है, जो तार्किक हो गया, अंगणितीय हो गया, इसके माध्यम से ही होता है। एमयू यानी जो कुछ भी प्रोसेसर उसका होता है उसको रखने के लिए, यानी मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो अब पूछ रहे हैं सीपीयू क्या है? तो यह कंप्यूटर का प्रमुख भाग होता है और इसे हम कंप्यूटर का माइंड भी कहते हैं। तो सीपीयू से रिलेटेड इतनी आप सभी को महत्वपूर्ण फैक्ट याद होने चाहिए, यानी यह कंप्यूटर का प्रमुख भाग होता है और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न आ गया, कंट्रोल यूनिट का क्या अर्थ है? यानी सीपीयू का भाग ही होता है कंट्रोल यूनिट। यहाँ पर पूछा है कंट्रोल यूनिट का अर्थ क्या होता है? तो वह माध्यम जिसके द्वारा किसी भी कार्य को नियंत्रित किया जाता है, जैसे इनपुट किए हुए डेटा को प्रोसेसिंग होने पर उसका नियंत्रण करना, यानी जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन या निर्देश दिया गया है वो सही से प्रोसेस कर रहा है या नहीं, उसका जो नियंत्रण करता है, या कह सकते हो उसके जो देख रेख करता है, कौन करता है? तो कंट्रोल यूनिट करता है। अगला आपका प्रश्न है कि 1 GB किसके बराबर होता है? तो 1 GB किसके बराबर होता है? तो 1024 MB के बराबर होता है। बहुत सिंपल, अब तो सभी के पास है, ठीक है, नेट तो बहुत ही आसानी के साथ आंसर आ सकता है। 1024 GB किसके बराबर होता है? तो 1024 GB, यहाँ पर क्या था, 1 GB, तो 1 GB में हमें कितना MB मिलता है? 1024 MB मिलता है। उसी प्रकार से अगर आपके पास 1024 GB रहेगा, 1024 GB रहेगा तो कितने के बराबर होता है? तो 1 TB यानी 1 TB होता है, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्क यानी जो आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का क्या है, एक जाल है जो भौगोलिक रूप से अलग अलग रखे हुए होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैन का पूरा नाम क्या है? तो वैन का पूरा नाम होता है W से वाइड, A से एरिया, N से नेटवर्क, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वर का क्या अर्थ है? सर्वर क्या होता है? आप सभी फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप चलाते होंगे तो जब कभी आप फॉर्म फिलअप करते हो तो उस टाइम लिखता है सर्वर एरर, यानी आप बोलते भी हो सर्वर अभी चल नहीं रहा है या काम नहीं कर रहा है। तो सर्वर का सिंपल अर्थ क्या होता है, यानी सर्वर कंप्यूटर या प्रोग्राम नेटवर्क में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर या प्रोग्राम को सेवा प्रदान करता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सर्वर कहते हैं। अगर सर्वर नहीं चलेगा तो कुछ भी नहीं चलेगा। अभी आप जैसे कि यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, अभी सर्वर डाउन हो जाएगा तो यूट्यूब वीडियो नहीं चलेगा। तो इस तरीके से जो सर्वर का मुख्य वर्क जो होता है वो प्रोग्राम को सेवा प्रदान करती है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, ब्राउजर किसे कहते हैं? ब्राउजर एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता यानी यूजर एवं वेब सर्वर के बीच संबंध स्थापित करता है। अगला प्रश्न है URL, यानी URL का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम क्या है? तो U से होता है यूनिफॉर्म, R से होता है रिसोर्स, L से होता है लोकेटर, यानी URL का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला आपका प्रश्न है कि ईमेल अकाउंट क्या है? ईमेल अकाउंट क्या है? तो ईमेल अकाउंट में संदेश, यानी ईमेल अकाउंट में संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पहचान तथा उस वेबसाइट का नाम है जिस पर वह अकाउंट खोला गया है या होती है। आप सभी के पास ईमेल होगा तभी तो आपके पास यूट्यूब आपका चैनल होगा, आईडी होगा, तो ईमेल के थ्रू ही यूट्यूब चैनल बनता है। इस तरीके से ईमेल अकाउंट क्या है, तो ईमेल अकाउंट में संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पहचान होती है और उस वेबसाइट का नाम है जिस पर वह अकाउंट खोला गया है।
अगला आपका प्रश्न है, मिनी कंप्यूटर में रैम की क्षमता क्या होती है? तो मिनी कंप्यूटर में 1 MB से 256 MB तक रैम की क्षमता होती है। अगला आपका प्रश्न है कि डेस्कटॉप क्या है? तो यह कंप्यूटर स्क्रीन की पृष्ठभूमि होती है, उसे ही हम डेस्कटॉप कहते हैं। अगला प्रश्न है कि माई कंप्यूटर से आप क्या समझते हो? तो माई कंप्यूटर एक सिस्टम फोल्डर है जो डेस्कटॉप पर प्रदर्शित होता है। इसमें डिस्क ड्राइव तथा सिस्टम फोल्डर आइकन्स होते हैं। आपने अगर कंप्यूटर चलाया होगा तो आप सभी को बिल्कुल ही फ्रंट जो पेज होता है, जैसे ही आप कंप्यूटर ओपन करते हो तो आप सभी के सामने शो होता है माई कंप्यूटर। जब आप उसको ओपन करते हो तो उसमें स्टोरेज होते हैं, आपके फाइल्स होते हैं, उसमें फोल्डर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं, माई कंप्यूटर से क्या समझते हो, यानी इसका क्या तात्पर्य है? तो माई कंप्यूटर एक सिस्टम फोल्डर है जो डेस्कटॉप पर प्रदर्शित होता है। इसमें डिस्क ड्राइव तथा सिस्टम फोल्डर्स आइकन्स होते हैं। अगला प्रश्न है, रिसाइकल बिन किसे कहते हैं? रिसाइकल बिन एक सिस्टम फोल्डर है जिसमें विंडोज उन आइटमों को स्टोर करता है जिन्हें डिलीट कर देते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का समय काल कब से कब तक माना गया है? बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, आप एक किसी को याद कर लीजिएगा। 1942 से 1955 तक प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का समय काल है। अगला आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में विभक्त किया गया है? तो कंप्यूटर की जो पीढ़ियां, जो जितने भी पार्ट है वो 5 है। अगला आपका प्रश्न है, एनालॉग कंप्यूटर क्या है? तो इसके अंतर्गत विद्युत के एनालॉग रूप का उपयोग किया जाता है और इसकी जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा धीमी होती है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? वह कंप्यूटर जो कि डिजिटल एवं एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है तथा इसमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग रूप में होता है, ठीक है, तथा जो प्रोसेसिंग होता है वो डिजिटल रूप में होता है, इसे ही हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। माउस क्या है? तो यह एक इनपुट डिवाइस है, इसमें 2 दाया व बाया बटन होता है, ठीक है। अभी आपने बीच में स्क्रोलिंग, यानी जो पेज को हम अप डाउन नीचे ऊपर करके जो पेज पढ़ते हैं उसको हम, जो बीच में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोल बटन भी कहते हैं। फिलहाल आप इस तरीके से याद कर सकते हो माउस क्या है। तो यह एक इनपुट डिवाइस है, इसमें 2 दाया व बाया बटन होता है। माउस के प्रयोग से कीबोर्ड की आवश्यकता कुछ बहुत ज़्यादा मतलब कम हो जाती है ना। और इसके नीचे एक रबर बॉल होता है, इसके क्रियान्वयन में सहायता करता है। अगला आपका प्रश्न है, माई नेटवर्क प्लेस क्या है? तो इसके द्वारा नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर तथा फाइल देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, टूल बार क्या है? तो टूल बार वास्तव में कुछ बटनों का संग्रह है जिनमें कुछ विशिष्ट क्रियाएं की जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर के जनक कौन थे? तो कंप्यूटर के जो जनक थे वे चार्ल्स वेबर्स थे। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला आपका प्रश्न है, PDF का विस्तृत रूप क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। होम पेज क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर के पहले पेज को हम होम पेज कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि फैक्स को समझाइए, फैक्स क्या होता है? तो फैक्स अंग्रेजी भाषा के फैसमिली शब्द से बना है। फैक्स का अर्थ होता है बनाना तथा शिमले का अर्थ होता है उसी के समान, अर्थात आप कह सकते हो फैक्स द्वारा मूल प्रति की छाया प्रति दूसरे छोर पर तत्काल उपलब्ध हो जाता है। यानी जो हमारा ओरिजिनल मूल प्रति होता है, ओरिजिनल होता है, उसका कॉपी हमें तुरंत मिल जाता है, इसको ही हम फैक्स कहते हैं। इंटरनेट क्या है? यह एक ऐसी नेटवर्किंग प्रक्रिया है जो विश्व के सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है, और आज के वर्तमान टाइम में इंटरनेट का तो बहुत ज़्यादा महत्व है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? हमने जाना इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट का जो डिफिनीशन था कि यह एक ऐसी नेटवर्किंग प्रक्रिया है जो विश्व के सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। बात यहाँ ये आती है, अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर नामक वेब ब्राउजर का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट ने किया। पहला प्रश्न ये कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर नामक वेब ब्राउजर का निर्माण किसने किया, तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया। इसके द्वारा आप इंटरनेट पर फैली जितनी भी सूचनाएं हैं उनको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ला सकते हो और उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हो। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1995 से जारी व चालू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लाइन का एक सॉफ्टवेयर है और 1999 से बहुप्रचलित ये ब्राउजर 2002 से 2003 के बीच में यूज किया जाता है, ठीक है। बीच का प्रयोग का
आप 95% श्रेय लेता रहा है और हाल में ही इसका लॉन्च किया गया संस्करण IE8। तो सिंपल याद कर सकते हो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, यानी इसका जो निर्माण किया वो माइक्रोसॉफ्ट ने किया इस वेब ब्राउजर का। इसके माध्यम से इंटरनेट पे जितनी भी सूचनाएं हैं हम अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर स्क्रीन पर ला सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं और उसको हम डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इतना लाइन अगर आप याद करते हो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब इतना ही बहुत ज़्यादा होगा। अगला आपका प्रश्न है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम बताइए। तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो है ABC। वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की? तो सर टी बर्नर्ली महोदय ने की थी। ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका फुल फॉर्म होता है। डॉक का इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हस्तांतरित करना ही ईमेल कहलाता है। लैन का फुल फॉर्म क्या है? एल से लोकल, ए से एरिया, एन से नेटवर्क, यानी लोकल एरिया नेटवर्क लैन का फुल फॉर्म है। वैन का फुल फॉर्म क्या है? W से वाइट, A से एरिया, N से नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। FTP एवं HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? FTP का फुल फॉर्म होता है F से फाइल, T से ट्रांसफर, P से प्रोटोकॉल, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। गूगल की खोज किसने की? गूगल की खोज लैरी पेज एवं सर्गेई ब्रिन ने की थी। लास्ट साल का क्वेश्चन है कि विंडोज का सर्वप्रथम वर्जन क्या था? तो विंडोज का सर्वप्रथम जो वर्जन था 3.1। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप इसको बहुत ही अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज गाइज लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं 9 बजे एंड 10 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।